गांव से रेस्क्यू कर गए थे सिमली बंडे से, और जैसे निकलने वाले थे और हथुरा पुलिस चौकी से फ़ोन आया कि वहाँ कुछ सांप घुस गया है। तो हम यहाँ अड्डा में आ गए हैं, निकल गए हैं, 10 या 20 मिनट में पहुँचने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि वो भी देश के जिसमें जनता के जिसमें काम करते हैं, देश के लिए पहरेदार है, तो हमारा कर्तव्य है काम कोई तो मतलब उनके काम आए, ताकि वो भी देश की रक्षा करते हैं, तो हम उनकी सेवा में उपलब्ध रहें और जाके वो सांप को निकाल के बाहर करते हैं, उसको रेस्क्यू करके रिलीज कर देंगे। वीडियो साथ बने रहिए। नीचे जाओ, नीचे जाओ पहले तो। वही आयो ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ जाए, दौड़ रही है पकड़, दौड़ी रही हो तो ऊपर पटक रहे, ऊपर पटक, ऊपर चढ़ जाए, ऊपर ऊपर से ऊपर मत, ऊपर गिर जाएगा रे। चलो आ जाए, इतना कुछ सारा खा जाए इस टाइम पे। चलो बड़ा बड़ा मेरे घर रुकना, सामने ले लो, सामने खाओ ले। अरे काम रुकना, फोटो लेना दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खुश कर रहा है। मालूम बालाजी बहुत गुस्सा कर रही है सर, बहुत गुस्से लगे, गुस्सा आता है नहीं यार, बहुत गुस्से लगे होंगे इसको, हमने इसकी मर्जी खिलाफ पकड़ा है। अरे इतना नजदीक मत जा तू, अरे इतना छोड़ दो रे, हां पकड़ो। क्या वो उसका जेर कर दिए? नहीं 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 सर, हां नहीं, इसका जेर ऑलरेडी इसके अंदर ही है सर। तो नहीं जेर है ना, जेल इसके अंदर ही है। नहीं नहीं कटवा नहीं रहे सर, पूरा मार शू रहे। हाँ सर, ये सर क्या बिन बिन नाचती है, ये इसके सामने जो भी हिलती जुलती चीज़ दिखाई देती है ये मूवमेंट करती है, बाकी ये बिन बिन नाचती है। नहीं पकड़े, अरे दोस्तों नमस्कार, हम आए यहाँ पर हथुरिया में पुलिस चौकी पर, तो ये एक नागिन थी, तो बहुत समय से परेशान कर रही थी। हाँ नागिन है सर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्टिकल कोबरा, जो फीमेल है, और इसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं नजा नजा, और कहीं कहीं इसको गेवन बोलते हैं, कहीं खरस बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको पलटू के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसको अगर हम परेशान करते तभी जाके बाइट करती है, बिना गलती किसी को बाइट नहीं करती, अपने भोजन के चक्कर में आ जाती है। और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो अपने नर्वस सिस्टम में चलता है, नसों में चलता है, इसलिए सांपों से दूरी बनाए रखे, सांप बारिश का टाइम में सांप दिखते ही हैं। और ये अपने भोजन तलाश में आते हैं, और जो मैं कर रहा हूँ कॉपी नहीं कर रहा, वीडियो देखकर ये जानलेवा हो सकता है। हम हमारे पास इसका अनुभव है, प्रशिक्षण है, औजार है, और इसकी जानकारी है, इस वजह से हम इनको ट्रीट कर पाते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि जब भी कोई स्नेक बाइट करे आपको, सांप काटे, तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, जिला अस्पताल जाना चाहिए, जहाँ पर सांपों का एंटीवेनम मिलता है, झाड़ फूँक ओझा बोने के चक्कर में ना रहे, वरना जान गाओ बैठोगे। दोस्तों बहुत ही खुकार है, बहुत गुस्सेल है, और इसकी तकरीबन उम्र होगी 6 से 7 साल। बाकी अगर ये किसी को काट ले 30 से 40 मिनट के अंदर इंसान को मार सकती है, इसलिए सांपों से दूरी बनाए रखें, सांपों का छेदन नहीं करें, बिना गलती किसी को बाइट नहीं करती है। और दोस्तों ये भारत की मतलब कॉमन है यह प्रजाति, तो भारत में हर जगह पाई जाती है।
और हमारा YouTube पर एक चैनल है प्रीति स्नैक्स सेवर के, जो प्रीति स्नैक्स सेवर के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिले और उनका डर भय और अंधविश्वास दूर हो और उनको जानकारी मिले ताकि किसी का जीवन बच सके। क्योंकि इंसान जहर से नहीं मरता, उसके भय से मर जाता है और उसका हार्ट फेल हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है। बाकी ये जानकारी के लिए है कि आप काट ले तो डरना नहीं चाहिए ना, नहीं काट ले डरना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को काट गया मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं, 30 से 40 मिनट का टाइम देता है ये। और जिस भी अंग से काटे उसको नीचे ही रखे, ऊपर नहीं उठाए, मूवमेंट नहीं करवाए। बाकी वो जो वेनम होता है वो अपने नसों के अंदर चलता है, इसलिए आप सांपों को मारने, सांप प्रकृति का हिस्सा है, सिस्टम को चलाता है प्रकृति का, और इसको इसके अनुकूलित वातावरण में ले जाकर रिलीज कर देंगे। सर कुछ डिब्बा वगैरह मिलेगा, बन्नी बन्नी वगैरह कुछ ऐसा डब्बा ले जाते हैं ना, हाँ वो ले आओ। अगर इसको किसी ने नेवले ने किसी ने इसको परेशान कर रखा है, किसी ने मार रखा है, घबरा हुआ सामने जो भी गर्म खून आएगा, ठंडे खून का प्राणी सर, जो भी गर्म खून आएगा चाहे बकरी हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उसको जाके बाइट करेगी, सामने जाके बाइट करेगी। कई कई सुनते अपन लोग जैसे कि वो वहाँ से सांप आया, नगी नहीं, और सामने जाके बाइट करके चली गई, तो उसका कारण ही होता है कि इनको किसी ने परेशान कर रखा होता है, तभी जाके बाइट करते। बिना मकानों में जाके सुते आदमी को काट के आ जाते हैं, उसे काट देंगे सर। ये ऐसा है कि वो हो सकता है कि 100% तो वो करे सांप ही होते हैं, करे जो कोमल करे होते हैं, जो कि ये उसकी मोटा ही रहती है और वो 4 से 5 फीट या 5.5 फीट हो सकते हैं, और उनके वो फन नहीं बनता है, ये वोट नहीं बनता उनका। और वो शर्मिले सांप होते हैं, वो रात को निकलते हैं, ठीक है, जैसे अंधेरा हो वो निकलते हैं, और इंसानों और की जानवरों की गर्मी लेने के लिए वो बिस्तर चले जाते हैं। और जैसे इंसान करवट लेता है, वो उनका पैर पड़ता है ऊपर, तो जब तक वो काटते हैं, और उनके दांत बहुत महीन होते हैं, जैसे अपने चिट्ठी बटन में वो काटती ना ऐसे ही, बस तो पता नहीं चलता कि अपने को इसने बाइट किया है। और वो नींद में नींद दे देता है, और उसके बाद अपने पैर अपने पेट के अंदर इंटरन होने लगती है, जैसे किसी ने हरी मिर्ची पीस के लगा दी हो, वैसे जलन होने लगती है। और करे सांप का जहर इतना खतरनाक है कि इसकी 5 बूंद और उसका 1 ही बूंद, बाकी वो काटता नहीं किसी, लेकिन अगर वो अपने बिस्तर में आ जाए और हम उसके ऊपर हाथ पांव रखते कुछ भी हो, अगर वो प्रेशर में आ जाए तब जाके बाइट करता है, वरना बाइट नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जान बचाने के लिए काटेगा ये। हाँ सर, पट्टे पे बाइक के अंदर दूर की तरह की कितनी बड़ी थी, तो फिर गाड़ी को खोलने के लिए इसको ड्राइवर लेके आया था। अभी तक हम 10 दिन जा पाए, बेचारे रुको हो गए थे। अभी गए थे तो पटना गाड़ी चढ़े ना, बारिश आ गई, वो रुके थे। भैया इसको क्या है सर, इससे ऑक्सीजन मिल जाएगी।
ले जाएंगे, कहाँ छोड़ोगे? सर इसको जंगल में रिलीज कर देंगे, जहाँ पर ज़्यादा मतलब पब्लिक का आना जाना नहीं रहता है। तो 1 किलोमीटर दूर ले जाना नहीं, वापस अगर हम इसको ऐसे घसीटते हुए ले जाएंगे तो भी इसकी खुशबू आ जाती है, बाकी उठा के ले जाएंगे तो ये नहीं आएगी। पहले 5 किलोमीटर दूर छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। और एक बार से फिर से अपने हसीना पुलिस चौकी वालों के लिए आपको धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है सर, आपको धन्यवाद है कि एक बेजुबान जानवर को आपने बचा लिया, और आप देश के लिए इतने सेवा में रहते दिन रात, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमें ऐसा योग मिला था कि हम आपकी सेवा कर सके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों अभी हथुरा से जो पुलिस चौकी से एक नागिन को रिस्यू करके लाए थे, तो बांस के ऊपर चढ़ी हुई थी ये, उनको वो परेशान करी थी, लेके आ गए इसको, इसके अनुकूल वातावरण में रिलीज़ कर देंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अभी अभी शेयर करें, हमारे चैनल पर पहली बार है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देख सकते हो दोस्तों ये नागिन है, ये इसके अनुकूल वातावरण चले जाइए। जय हिंद माता।